हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेक्स ए पाथ ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लाए 27 मई की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था आरआरबी जेई का, उसके पेपर का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, जैसी हर वीडियो आपके लिए हम पहुंचाते हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके नोटिफिकेशन आएगा और जो भी वीडियो डालेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनालिसिस देख के ये बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए। अगर आपका पेपर 2 तक है, लेट है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले बात करते हैं आज जो क्वेश्चन आए उनकी। तो पहला क्वेश्चन आया था, एक वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को। जो फ्रेंड्स, आपका भी अगर पेपर हो तो हमें आपके आंसर्स और क्वेश्चन सेंड कीजिए, क्या क्या ऑप्शन थे सब कुछ सेंड कीजिए, ताकि एनालिसिस और अच्छे से बना सके, मोर क्वेश्चन आ सके आपके लिए। आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको, और आप अपना भी चेक कर पाएंगे और अपने जितने भी अटेम्प्ट है वो हमें शेयर कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य पसंद है? तो इसका जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लावणी आंसर होगा, जो कि हमने फ्रेंड्स ने जितने ऑप्शन भेजे उनमें से लावणी बैठेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, स्नेक बोट रेस कौन से राज्य की फेमस है? तो यह होती है केरल में होती है। कौन सा रोग अमावस्या को प्रभावित करता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए हुए नहीं थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन भी बताइए, हम आंसर दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोकल लेंथ से रिलेटेड था, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी थी 15, वो जो कॉन्केव लेंस था और उसका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस 25 थी, तो यू डिटरमाइन करना था। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, 1/f = 1/u + 1/v। एक था ल्यूकेमिया से रिलेटेड, जिसमें आंसर का पता नहीं, शायद ब्लड रिलेटेड से था, तो इसमें WBC आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम पूछ लिया था, जो पायरीडीन होता है। तो फ्रेंड्स, इसी अच्छी ट्रिक है, आप अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, उससे भी एक क्वेश्चन था। इस तरह से अच्छे क्वेश्चन आज साइंस से भी आए हैं, केमिस्ट्री का भी अच्छा लेवल आया। अगर आपने 65+ किया है तो आपका अच्छा स्कोर है विथ एक्यूरेसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मास किससे डिपेंड करता है? कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर जड़त्व ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। चंद्रमा के चमकने का रीजन, यानी जो रिफ्लेक्ट चंद्रमा जो ब्राइटनेस होती है वो किसके रीजन से, खुद का थोड़ा होता, तो उसका राइट आंसर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द सन, जो सन से लाइट होती है ना, उसके रिफ्लेक्शन से चंद्रमा चमकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा तत्व मानव शरीर में ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट एक हड्डी से रिलेटेड आया था, कान, मनुष्य कान में कौन सी हड्डी? तो इसमें हमें पता नहीं, भाई बड़ी पूछी थी, कौन सा पूछा था? तो जैसे कि आपको पता है, तीन होती है, स्टेपिस, इनकस और मेलिस, ये तीन हड्डियां मनुष्य कान में पाई जाती है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा है। एक रिप्रोडक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, एयर दे रखा था, वाटर, ग्लास, ये तीनों दे रखे थे, तो आपको इसको डिक्रीजिंग एयर की होती है 1.3 और आपको ग्लास की पति 1.5, तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आंसर देना था। तो नेक्स्ट आया था, एक संयोजक बंध से आया था, कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड आया था, वो तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। प्योर धातु का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगा। जो फास्फोरस होता है वो एलिमेंट का किस साइन से रिप्रेजेंट करता है? तो उसका पी। तो फ्रेंड्स, ये साइन का भी काफ़ी आया, जैसे 23 का बताया था, यानी ग्रेविटी को किससे रिलेटेड करते हैं, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कलाई मेटल, तो इसे भी मतलब पीरियोडिक टेबल से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 2 से 3, तो अच्छे से पढ़िए और अपने अटेम्प्ट्स हैं जो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने करते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ लाते हैं जो भी क्वेश्चन होते हैं, ट्रुथ के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, रिवर से एक क्वेश्चन आया था जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, कोलकाता, ये आंसर था, तो जो कुछ रिवर पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। एक आया था, जो जिम में होते हैं वह हैंड ग्लव का यूज क्यों करते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हैंड ग्लव्स पहनते हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड आए थे, एक तो सर्कुलर टेबल से और जैसे क्लॉक से भी 2 क्वेश्चन आए हैं आज, इस तरह से क्वेश्चन आए। बात करते हैं मैथ में पाइप सिस्टम से, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, SI CI से 2, फिगर काउंटिंग में आज अलग क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि आपको क्या पूछा है, स्ट्रेट लाइन पूछा गया था, ना कि उसमें कितने फिगर है, ऐसे नहीं, जितने भी था उसमें स्ट्रेट लाइन एक फिगर दे दिया था आपको, उसमें स्ट्रेट लाइन पूछा था कितनी है अकॉर्डिंग टू दैट फिगर। और क्लॉक से 2 आ गया, नंबर सिस्टम सीरीज से 5 क्वेश्चन, काफ़ी बता रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वो
और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अच्छे लेवल के आते 3 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट से भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले कोऑर्डिनेट का सुना नहीं था लेकिन इसमें शिफ्ट में आ गया। और फाइंड द मीडियम के 2 क्वेश्चन आए जो कि काफ़ी ईजी है। तो फ्रेंड्स जिसने भी 22 प्लस किया है मैथ में उसका अच्छा स्कोर है। बात करें हम अगर रीजनिंग में, आप लोगों ने अगर 18 से लेकर 22 तक स्कोर किया है तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। ऑल ओवर अगर आपने 65 से 70 के बीच किया है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।